Hello, friends. I'm Harshpreet Kaur Dhiman, and welcome to the third part of the chapter Industrial Revolution, the chapter number 9 of the class 11th history. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट को जो है यूज करें क्योंकि उसके अंदर सीरियल वाइज सारी वीडियोज आपको प्रोवाइड करी गई है उसके बाद जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वाइल फाइंडिंग दैट वेयर इज द पार्ट थ्री ऑफ दैट चैप्टर सो ऑल दीज प्रम्स विल गेट सॉर्टेड आउट अब हम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं दैट इज इन्वेंटर्स हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा कि कैसे कैसे ये जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी उसके अंदर कौन कौन सी हमारी इन्वेंशन हुई तो ये एक्चुअल में कौन कौन से इन्वेंटर्स हैं किसने करी है ये इन्वेंशन ये इनका बैकग्राउंड क्या था हम वो पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर तो देखो जो अभी हमने पढ़ा था एटींथ सेंचुरी के अंदर जो है सारी इन्वेंशन्स हुई थी पर एक्चुअल में जो बेसिक साइंस है मतलब कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है इन दोनों सब्जेक्ट्स का मेन जो एक तरह से नॉलेज है वो हमारे पूरी सोसाइटी के अंदर लेट नाइनटीन्थ सेंचुरी के अंदर जो है वो स्प्रेड uh, होनी शुरू हुई थी ये बेसिक साइंसिस एक्चुअल में इमर्ज करना शुरू की गई थी तो अब ये बात सोचने वाली है कि जब उन सारे इन्वेंटर्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आती थी तो हाउ दे डिड दोज इन्वेंशंस वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और दूसरी बात यहाँ पे क्या स्पेशलिटी थी इंग्लैंड का आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर बहुत से फैक्टर्स काम कर रहे थे जो कि दूसरी यूरोपियन सिटीज के अंदर नहीं थे जैसे कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत से लोग फ्री थे तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं काम कर रहे थे अब देखो साइंटिफिक जैसे जैसे हमारी नॉलेज जो साइंटिफिक नॉलेज है वो इंक्रीज होने लगी उसके बाद जो है साइंटिफिक जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है पब्लिश होना शुरू हो गए जिसकी वजह से जो है नॉलेज जो है वो छोटी छोटी सिटीज के अंदर भी जो है ट्रांसफर ट्रांसफर होनी शुरू हो गई पर एक्चुअल में जो बेसिक साइंस है वो नाइनटीन सेंचुरी के एंड में जो है स्प्रेड होनी शुरू हुई थी तो Uh, जो ये सारी नॉलेजेस हैं, वो uh, एक तरह से ट्रांसमिट करी जाती थी थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस उनमें से एक है सोसाइटी ऑफ आर्ट्स जो कि एस्टेब्लिश हुआ था इन 1754। अब देखो जो जो ये इन्वेंटर्स हैं, जो कि अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे इनके मेनली क्या क्या चीजें थी जो कि इन्हें सपोर्ट कर रही थी ये सारी इन्वेंशंस करने के लिए वो एक्चुअल में टेक्निकल नॉलेज नहीं थी एक्चुअल में क्या था डिटर्मिनेशन इंटरेस्ट क्रियोसिटी एंड लक मतलब कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपके पास नॉलेज कम है बट फिर भी आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है एक जज्बा है आपका इंटरेस्ट है उस चीज को करने के अंदर आपका पसंद है पसंद है आपकी वो चीज वो अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन डू ठीक है बाय एनी मीन ठीक है आप कर ही जाओगे उस चीज को उसी तरीके से क्रियोसिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है हम स्टूडेंट्स के अंदर भी कि हम जो है बहुत ज्यादा जिज्ञासु होने चाहिए हम सब ठीक है और लक जो है वो हार्ड वर्किंग पर्सन को लक तो सपोर्ट कर ही देता है ठीक है तो अब हम आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू से समथिंग कि जैसे आई एम मेकिंग दीज वीडियोज तो उससे क्या हो रहा है कि आपके बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं ये एक्चुअल में क्योंकि हम जब रीडिंग करते हैं तो हमें समझ आने लग जाता है इसलिए वी कॉल इट इजी पर वट आई वॉन्ट इज कि आपका जो टाइम बच रहा है मेरी वीडियोज की वजह से कि आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल उस बचे हुए टाइम को आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें ताकि आपका जो टैलेंट है एक्चुअल में वो ग्रो कर पाए क्योंकि हम इंडिया का फ्यूचर है और अगर हम जो है अपने टैलेंट को इंक्रीज करेंगे अपने टैलेंट को फाइंड आउट करेंगे तभी हम जो है इंडिया को एक बहुत अच्छी कंट्री बना सकते हैं ठीक है तो वट यू हैव टू तो डू इज टू डेवलप तो योर टैलेंट्स अब हम आगे पढ़ते हैं जॉन के और जेम्स हार्ग्रीव जॉन के और जेम हा, जेम हार्ग्रीव जिसके बारे में हमें पहले पढ़ के आए हैं वो एक्चुअल में उन्हें ज्यादा स्किल्स नहीं आती थी वो एक्चुअल में इन्हें वीविंग कैसे होती है वो पता था तो इसी की वजह से इन्होंने स्पिनिंग जेनी और फ्लाइंग शटल लूम की इन्वेंशन करी थी ठीक है उसके बाद है रिचर्ड आर्क रिचर्ड आर्क जो है इन्होंने वाटर फ्रेम की इन्वेंशन की थी पर एक्चुअल में ये कोई मैकेनिक नहीं थे ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे ये एक्चुअल में एक बार्बर थे ठीक है उसके बाद सेम्यूल क्रॉम्पटन सेम्यूल म्यूल बनाई थी जिन्होंने है ना हम अभी अभी पढ़ के हटे हैं लास्ट वीडियो के अंदर सेम्यूल क्रॉम्पटन के पास ऐसी कोई स्पेशल स्किल्स नहीं थी कि वो एक म्यूल बना देंगे एक ऐसी मशीन बना देंगे जिससे बहुत अच्छे धागा जो है बनाया जा सकता है एडमंड कार्ट राइट एक्चुअल में कोई साइंटिस्ट नहीं थे वो लिटरेचर और एग्रीकल्चर के अंदर जो है उन्हें नॉलेज थी उसके बाद थॉमस सेवरी जिन्होंने ये एक ऐसा स्टीम इंजन बनाया था जो कि पंप कर रहा है। पानी को फ्रॉम द माइंस वो एक आर्मी ऑफिसर थे और थॉमस न्यू कॉमन जिन्होंने भी एक, एक, एक स्टीम इंजन बनाया था पर वो एक्चुअल में जो है थोड़ा सा इतना एबल नहीं था जिस काम के लिए इन्होंने बनाया था तो थॉमस न्यू कॉमन एक्चुअल में एक ब्लैक स्मिथ थे और लॉक स्मिथ थे मतलब कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता मैटर करता है आपकी डिटर्मिनेशन आपका इंटरेस्ट आपकी क्यूरियोसिटी ठीक है तो डू हार्ड वर्क लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंज ट मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद तीन ऐसी कैटेगरीज थी लोगों की जिनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी फर्स्ट थे ये इन्वेंटर्स इन्वेंटर्स के साथ अच्छा हुआ कि उन्होंने इन्वेंशन कर दी और एक्चुअल में वो फेमस हो गए उसके बाद रिच लोग थे जैसे कि लैंड ओनर्स थे जो कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि उनका पैसा जो है अब वो और ज्यादा प्रॉफिट कमाए उनका पैसा एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाए और इनके साथ ऐसा हुआ क्योंकि इनकी खुद की फैक्ट्रीज है इसमें काम कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा हाई स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है और इन्हें प्रॉफिट मिल रहा था तीसरे ग्रुप ऐसे लोग थे जो कि वर्कर्स थे एक्चुअल में और जो कि बहुत ज्यादा टाइम तक काम करते थे और ओवरक्राउडेड स्लम्स के अंदर रहते थे मतलब बहुत बेकार कंडीशन की एक ऐसी जगह पे रहते थे क्योंकि ये वर्कर्स एक्चुअल में क्या है विलेजेस से आए हुए हैं सिटीज के अंदर क्योंकि विलेजेस के अंदर पहले एग्रीकल्चर करते थे और वो एग्रीकल्चर जो है अब एक्चुअल में आ, उसके अंदर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया उसमें लेबर की इतनी जरूरत नहीं है इसलिए वो सिटीज में आए क्योंकि अब ये बाहर से आए इसलिए इन्हें स्लम्स में रहना पड़ रहा था क्योंकि इनकी एक्चुअल में सिटी के अंदर तो कोई प्रॉपर्टी थी नहीं ठीक है तो अब हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है सिटीज की इंक्रीज कर रही थी क्योंकि ये वर्कर्स आ रहे थे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही थी है ना पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है ग्रोथ हो रही है बट एक्चुअल में जो सिटीज का एनवायरमेंट है वो इतना बुरा था कि इनकी वर्किंग कंडीशन इतनी खराब थी और ये इन्हें स्लम्स में रहना पड़ रहा था एयर की क्वालिटी खराब होती जा रही थी क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा आ चुकी है पानी की क्वालिटी खराब हो रही थी तो हम कह सकते हैं ग्रोथ तो हो रही है पर डेवलपमेंट एक्चुअल में नहीं हो रही ठीक है ग्रोथ का क्या मतलब है इंक्रीज इन एनीथिंग पर डेवलपमेंट क्या है कि एक्चुअल में किसी का टैलेंट इंक्रीज हो रहा है एक्चुअल में लोग हैप्पी रह रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर दैट इज नोन एज डेवलपमेंट तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे चेंज कर रही थी लाइफ उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज द वर्कर्स द वर्कर्स टॉपिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि इस वर्कर uh, की क्या एक्चुअल में क्या कंडीशन थी ठीक है हम वो पढ़ने जा रहे हैं अब 1842 के अंदर एक सर्वे कराया गया जिसके अंदर ये चीज चेक करी गई कि ये जो वर्कर हैं, इनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना है मतलब ये वर्कर ऑन एन एवरेज कितने साल जो है जी सकते हैं ठीक है तो आप याद रख सकते हैं बी एम डब्ल्यू नहीं बी एम डी बर्मिंगम मैनचेस्टर एंड डर्बी तीन सिटीज का इंफॉर्मेशन दिया गया है ठीक है जो बर्मिंगडम है उसके अंदर पंद्रह साल निकली कि एक जो वर्कर है वो पंद्रह साल तक जी सकता है भाई ठीक है कितनी बुरी कंडीशन होगी आप समझ सकते हैं मैनचेस्टर जो है उसके अंदर 17 इयर्स थी ये डर के अंदर क्या है 21 तो आप कैसे याद रख सकते हैं जैसे बीएमडब्ल्यू कार है हमने डब्ल्यू को काट के डी रखा है उसके बाद 15 से ऑड नंबर्स शुरू करेंगे 15 फिर 17 ऑड नंबर नेक्स्ट आएगा फिर नाइनटीन आएगा क्योंकि हमने डब्ल्यू को काट दिया तो नाइनटीन को भी काट दो उसके बाद ट्वेंटी ऑड नंबर आ गया तो फिफ्टीन सेवनटीन ट्वेंटी आप ऐसे लर्न कर सकते हैं तो दीज आर द ट्रिक्स दैट यू कैन यूज वाइल लर्निंग द फैक्ट्स फैक्ट्स को देखो हम समझ नहीं सकते पर हमें लर्न करना है तो आप ये सब कुछ कर सकते हो उसके बाद देखो हमने ये चीज पढ़ लिया इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम थी और हाफ जो ये वर्कर्स है इनमें से हाफ लोग ऐसे थे जो कि सॉरी इसके अंदर क्या है कि जो चिल्ड्रन है एक्चुअल में चिल्ड्रन इन चिल्ड्रन का हाफ जो है बच्चों के हाफ फिफ्टी परसेंट बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो कि पांच साल से ज्यादा जी नहीं सकते थे तो इतनी बुरी हालत हो चुकी थी अब ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है इतनी बुरी कंडीशन क्यों हो रही है क्योंकि रीजन एक्चुअल में ये है कि यहाँ पे एपिडेमिक्स फैल रहे थे मतलब कि महामारी जो है फैल रही थी जैसे कि वाटर की वजह से कॉलरा नाम की बीमारी जो कि आज भी थोड़ी प्रेवलेंट है और टाइफाइड जैसी बीमारियां जो है फैल रही थी और कॉलरा जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी थी इन 1832 हंड्रेड जिसकी वजह से 31,000 लोग जो है मर गए थे तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है एक्चुअल में वो ऐसे खत्म क्यों होती जा रही है ठीक है उसके बाद है एपिडेमिक्स एयर की वजह से होते थे जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टीबी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वुमेन चिल्ड्रन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन अब हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक्चुअल में जो वर्कर्स का एक मेन पोर्शन था जो, जिसके अंदर बच्चे आते थे और लेडीज आती थी वो जो है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा देखो सबसे पहले उनके ओल्ड डेज कैसे होते थे मतलब जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं आई थी तब उनके पहले पुराने दिन कैसे होते थे बहुत अच्छे होते थे ये जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स के सुपरविजन uh, के अंदर फील्ड के अंदर काम किया करते थे और वेमेन भी जो है वो अपने घर पे बैठ के जो स्पिनिंग व्हील है चरखा है उसे यूज करके जो है यान बनाती थी तो मतलब काफी ठीक सी लाइफ थी जिसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है पर अब क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है उसकी वजह से फैक्ट्रीज के अंदर चले गए हैं ये वेमेन भी और चिल्ड्रन भी किस किस कौन कौन सा काम कर रहे हैं लेस मेकिंग कॉटन की इंडस्ट्रीज में सिल्क इंडस्ट्रीज मेटल इंडस्ट्रीज इन सभी में अब देखो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इन्हें बहुत टाइम तक काम करना पड़ रहा है और अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो इन्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट भी दी जाती है ठीक है तो पहले कहा छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हैं अब जो है उन्हें फैक्ट्रीज में जाके इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर काम करना पड़ रहा है उसके बाद अगला ड्रॉबैक था कि इन्हें लेस वेजेस मिलती थी मतलब पर डे की जो इनकी इनकम होती थी एक्चुअल में वो इतनी कम होती थी ठीक है अब ये जो विमेन एंड चिल्ड्रन है इन्हें क्यों लिया जा रहा है मतलब मेल लोगों को क्यों लिया जा रहा है क्योंकि विमेन एंड चिल्ड्रन ऐसे कैटेगरी हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर वर हुयर मैनेजर्स वगैरह थे तो उनके अकॉर्डिंगली जो है ये कम एजुटेशन कर पाते हैं मतलब ये थोड़े समझते थे कि ये वीक हैं और लेबर की जो है जो डिमांड है वो कम हो गई है क्योंकि अब मशीन्स आ गई हैं इसलिए हम जो है जो लोग कम सैलरी ले रहे हैं उन्हें ले लेते हैं और जो लोग कम एजिटेशन करेंगे जब हम उनसे ज्यादा ज्यादा काम कराएंगे और उन्हें पनिशमेंट देंगे तो उन्हें रख लेते हैं ठीक है अब देखो चिल्ड्रन को क्यों लिया जा रहा है चिल्ड्रन को एक्चुअल में कॉटन सिल्क इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर इसलिए लिया जाता था क्योंकि इनकी बहुत छोटी सी बॉडी है ये कहीं पे भी मशीन के अंदर जाके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है धागा टूट गया तो ये सारे काम कर सकते हैं ठीक है ठीके? और इसकी वजह से क्या हो रहा है क्योंकि ये कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसकी वजह से कई बार क्या होता था जैसे छोटे बच्चे हैं वो थक गए हैं और उसकी वजह से उन्हें नींद आनी शुरू हो गई है इसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स होते थे कि उनकी कई बार होता था कि उनका हैंड जो है वो मशीन के अंदर चला गया या फिर उनके हेयर्स जो है मशीन के अंदर चले गए कई बार ऐसा भी होता था कि उनकी डेथ ही हो जाती थी इस एक्सीडेंट की वजह से तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी उसके बाद ये चिल्ड्रन जो है कोल्ड माइन के कोल्ड माइन के अंदर भी यूज किए जाते थे इन एज लेबर ठीक है इनके दो काम हुआ करते थे एक है ट्रैपर्स दूसरे कोल्ड बियर ट्रैपर्स का मतलब है कि जो हमने पढ़ा था कि रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक पफिंग डेविल नाम की एक ट्रेन सी बनाई थी जो कि कोल माइंस के अंदर जा सकती है उसके अंदर कोल जो है उसके बॉक्सेस में कोल रखा जाता था तो इनके दरवाजे दर्वा, कब खोलने हैं कब बंद करने हैं ये काम किया करते थे और इन्हें बोला जाता था ट्रैपर्स और कोल को जब उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो इन्हें बोला जाता था कोल बियरर्स ठीक है तो इन्हें ये काम कराए जाते थे पर कोल माइन के अंदर बहुत ज्यादा खतरा था क्योंकि कई बार क्या होता था कि कोल माइन जो है वो कलेप्स भी कर जाती है तो उसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से जो चिल्ड्रन है उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी ठीक है अब आप देखें कि जो हमारे फिफ्टी परसेंट वर्कर्स हैं एक्चुअल में वो कौन थे जब सर्वे किया गया तो पता चला कि वो दस साल की उम्र से जब कम एज के थे तब से वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और ये वीमेन की क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअल में चाहे ये काम करके बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बन गई है फाइनेंशियली पर एक्चुअल में क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा इनकी एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है इन्हें बहुत ज्यादा टाइम के लिए एक ही पोजीशन के अंदर काम कराया जा रहा है तो इनके जो चाइल्ड हैं उनका जो बेबी है उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता था तो कई बार बर्थ से पहले ही बेबी की डेथ हो जाती थी या फिर बहुत कम उम्र पे ही जो है उनकी डेथ हो जाती थी इसीलिए कहा गया है कि कई बच्चों की फाइव इयर्स से भी कम की एज से पहले जो है डेथ हो जाती थी अब इतनी बुरी कंडीशन थी इसकी वजह से क्या हुआ कि कई राइटर्स थे जो कि इस कंडीशन की अगेंस्ट बोले उनमें से एक है चार्ल्स डिकन जिन्होंने एक नॉवल लिखी है जिसका नाम है हार्ड टाइम्स इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी है हमारी इंडस्ट्रीज की कितनी एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे हैं सारे लोगों की तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है रिवोल्ट हुए एंड ऑल तो तब तक के लिए आई गेस आपको सब कुछ समझ आ गया हो थैंक यू सो मच टेक केयर